सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू गेमिंग चैनल। और गाइस क्या हाल है सबके। सो गाइस ये जो वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है और बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है, क्योंकि गाइस ये एक अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाली है और मैं अपनी लाइफ का पहला आईफोन जो कि मैं अपने पैसे से लेकर आया हूँ, और सच बोलूँ तो ये पहला ही आईफोन लेकर आया हूँ और इसको मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ आज। और इसकी डिलीवरी भाई मेरे को 12 से 11 घंटे हो चुके हैं इसको लिए, और अभी तक मैंने इसको अनबॉक्स नहीं कराया क्योंकि भाई मैं काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त था। और भाई साहब क्या ही मैं बताऊँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मेरे को फील हो रही है अभी, मैं बता नहीं सकता। और तो ये मैंने कैसीफाई से लिया फ़ोन सुपर 128 GB, और ये कौन सा आईफोन है ये तो अनबॉक्स करने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो चलिए आज हम इसको अनबॉक्स करने वाले अपने पैकेज को, और भाई बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाली है मेरे लाइफ की ये, और कमाल की वीडियो होने वाली है। तो लाइक ज़रूर कर देना, मेरी हिम्मत बढ़ाओ लाइक करके, और चैनल को सब्सक्राइब करो। और चलिए इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कि भाई कैसा आईफोन मेरी रिसीव हुआ है। अटक क्यों जा रहा हूँ मैं भाई एक्साइटमेंट के मारे। ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस, तो चलिए अपने लाइफ का पहला आईफोन मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूँ, तो सपोर्ट करो मेरे को गाइस। जी हाँ गाइस, तो चलिए आप सेटअप करते हैं और अनबॉक्स करते हैं। सो गाइस जो मैंने अपना जो बिल वगैरह वो निकाल दिया इसमें से, और अब मैं इसको अनबॉक्स करने जा रहा हूँ, तो चलिए भाई मेरे साथ साथ अनबॉक्स करते हैं इसको। और आई होप कि मुझे भाई बढ़िया चीज़ मिली हो इतने पैसे लगा के भाई। तो कि मैं बता रहा था कि मैं क्या बता रहा था मैं भूल गया, तो अरे बताना बताना छोड़िए, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और इसकी बैंड ही खुल जा, तो गाइस इसको अनबॉक्स करता हूँ मैं। और ये कैमरे से बाहर क्यों जा रहा बार बार भाई, काफ़ी तगड़ी पैकिंग करके दी है, इतनी मतलब क्या बताऊँ, इतनी तगड़ी कोई सील वहाँ भी नहीं लगाता होगा जहाँ डॉलर्स रखते होंगे। जी हाँ गाइस ये एक सीक्रेट बात है जो कि सिर्फ आप और मैं जानते हैं, और मैं इसको मैं काफ़ी बढ़िया वाली लेके आऊँ रामपुरी, जो कि पता नहीं किस काम में आ रही है, हमारे घर पे पड़ी हुई थी तो मैं ले आया उठा के बस बस। और भाई सारे घर पे सो रहे हैं तो मैं आराम से इस चीज़ को खोलूँगा और आराम आराम से बोलूँगा, क्योंकि अगर कोई उठ गया ना तो रैप तो बजा देगा। और देख लिया कि मैं एक नया आईफोन अनबॉक्स कर, मतलब नया कह रहा हूँ कि एक आईफोन अनबॉक्स कर रहा हूँ ना, तो भाई भीड़ लगा देंगे सारे आके, पहले मारेंगे फिर पूछेंगे क्यों लाया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अपना पैकेज पता नहीं कैमरे से बाहर क्यों जाना चाह रहा बार बार, तो मैं बैठ जाता हूँ एक बारी तो खुल जाना रद्द। बहुत तगड़ी सील लगाई है भाई कैसी फाइव वालों ने। ओके गाइस तो फाइनली अपना जो डब्बा है वो हमें दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा आई होप। मैंने काफ़ी हंगा दिखाया इसके ऊपर, जो कि मैं हमेशा उसी चीज़ पे दिखाता हूँ जिससे मेरा जोर चले, और मैं बार बार इसको काट रहा हूँ, ठीक है जो भी यहाँ तक की। ओके गाइस तो फोन प्रो का जो बॉक्स है वो बाहर आ चुका है, और काफ़ी तगड़ी पैकिंग करी है भाई फ्लिपकार्ट वालों ने, फ्लिपकार्ट कह रहा हूँ कैसे भाई वालों ने, सॉरी भाई बार बार फ्लिपकार्ट का नाम याद आता है जवान पे, क्योंकि भाई वही एक लौती है ऐसी वेबसाइट है जिससे सामान मंगवाते थे आज से पहले हम लोग। आज पहली बार मैंने कैसीफाई से कोई चीज़ ऑर्डर करी है, और ये है उसका बॉक्स। मेरी आवाज़ आ रही है क्या, पता नहीं किससे बात कर रहा हूँ, और मैं निकल पहली फुर्सत में। तो गाइस ये डब्बा हमें रिसीव हुआ है फोन प्रो का, और ये बबल आपको याद दिया बचपन में हम इसको ऐसे ये कर करके, ये वाली बकचोदी सबने करी होगी, बताना जरूर एक बार किस किस ने करी है वाली बकचोदी। ओके ठीक है बहुत ज़्यादा हो गई, अब यहाँ पे भी एक सील लगी है तो मैं इसको भी खोल देने वाला हूँ, और ये बहुत ज़्यादा समझदारी की बात है, इसको भी खोल ही दिया मैंने देखा, और काफ़ी बढ़िया तरीके से और बबल वगैरह ये इसको फेंक देता हूँ। और ये पर्चा दिया गया इन्होंने, उनको लगता है मैं पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा एडवांस बंदा हूँ, जो कि असल में मैं हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये फ़ोन और पूरा सील है भाई, ये जो डब्बा है ना इसका पूरा सील है, तो चलिए इसकी सील खोलते हैं। पहली बार मैं किसी चीज़ की सील खोलने जा रहा हूँ, आई होप यू आर अंडरस्टैंड, और मैं इतना बड़ा अंग्रेज कब से बन गया मेरे को खुद नहीं पता। तो भाई मैंने लगा दिया चाकू इसके, ओके ठीक है यहाँ तक भी, और ठीक कर देना चाहता हूँ मैं इसको बस, बट टाइम बहुत ले रहा है यार ये, और सच बोलूँ तो भाई मेरी फट भी रही है बस। भाई सामान बढ़िया मिल जाना चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, जब बब्बा की बोल दूँ भाई ये पहले। ओके गाइस तो मैंने इसको खोल दिया फाइनली, भाई भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं कचरे। ओके गाइस तो मैंने अनबॉक्स करने जा रहा हूँ, हियर वी गो बूम।
फोन है इसके ऊपर। वाह देखो, देख रहे हो आप लोग। ओके गाइस, तो ये फोन है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा आईफोन है। इसको साइड में रख देता हूँ, पहले डब्बे में दिखाऊंगा, जैसा कि सब लोग करते हैं ना, अपना लेंथ बढ़ाते हैं अपनी वीडियो की। ओके, तो मैं अभी वही कर रहा हूँ। और ये मिला है, क्या ये दिखाई देता हूँ, क्या ये लाइटनिंग केबल, बहुत सही, सस्ती क्वालिटी है लेकिन सही है। धर देते हैं साइड में, ज़्यादा ही साइड हो गया, वो कचरे में चला गया। इनको भी दफा करो, और उसके बाद आप लोग इसको तो बोल ही नहीं सकते, अडाप्टर। ओ भाई देख रहे हो, छोटा सा लेकिन 20 वोट का है भाई, बढ़िया पसंद आया भाई मेरे को। बोट का है ये भाई, आईफोन का तो नहीं है पर बोट का है, पर बोट भी ब्रांड है आपको पता ही है। और ये है टाइप सी टू लाइटनिंग पोर्ट, देखो। और काफ़ी बढ़िया लगा भाई चार्जर मेरे को देखने में, प्यारा सा छोटा सा। तो इसको भी धर देते हैं साइड में, और इसको रामपुरी को हटाता हूँ मैं यहाँ से, और इसको भी हटाई दिया हम लोगों ने टाइम पास। और ये और ये अपनी खतरनाक चीज़, अपना हथियार ब्रह्मास्त्र जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो चलिए इसको अनबॉक्स करके देखते हैं भाई, क्या आई फील देने वाला है ये। ओ माय गॉड, फक। ओके गाइस, अब मैंने गलती कर दिया दिखा के इसको पहले पीछे से। वो 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 गाइस, मेरा भाई दो चार साल का सपना था ना, वो आज सच होने वाला है। जी हाँ, मतलब सच हो चुका है, मैं क्या ही बताऊँ गाइस। मतलब मैं आज से 4 साल पहले सपने देखा करता था आईफोन लेने का। मतलब आईफोन जो एक्स है ना, वो मेरा हमेशा से फेवरेट रहा, आईफोन एक्स, एक्सेस नहीं एक्स, हमेशा से, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद था भाई उसका डिज़ाइन। पर भाई वो बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, तो भाई उसको लेने का कोई फ़ायदा तो था नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा भाई क्यों ना आईफोन 11 लिया जाए पैसे लगा के थोड़े। और भाई अभी बहुत प्यार आ रहा, जी कर रहा है इसको, क्या करूँ इसके साथ, बहुत प्यार आ रहा अभी इस फ़ोन को। पहली बार मैंने मतलब अपने पैसों से कोई आईफोन लिया है अपनी लाइफ में। एक बार पहले भी आईफोन लिया था, लेकिन वो आईफोन के नाम पे एक धब्बा था, आईफोन 6s, उसकी भी वीडियो दिखा दूंगा मैं एक बार। और भाई मैं क्या ही बोलूँ भाई, इस फोन को तो छोड़ने का जी नहीं कर रहा। तो चलिए डिटेल से देखते हैं इसको, कोई स्क्रैच पे स्क्रैच तो नहीं है भाई, सुपर के नाम पे जो चीज़ दी है उन्होंने, क्या सच में सुपर है वो। ओ भाई आगे से तो भाई कमाल चीज़ है, बवाल बनाई है भाई आईफोन भी भाई सच में। और पीछे से आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल नहीं जैसा कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई, सुपर कंडीशन, आई लाइक इट। और आप लोग इधर से कैमरे में कम दिखा रहा हूँ, मैं खुद ज़्यादा देख रहा हूँ इसको भाई, मैं क्या करूँ, मैं एक्साइटेड इतना इस चीज़ को लेके। और नीचे से भाई कोई डेंट पेंट नहीं है, आप लोग देख ही सकते हो, कोई डेंट वगैरह नहीं है इसमें। स्पीकर भी भाई गति मतलब काफ़ी सही है, और सिम ट्रे वगैरह भी, और सिम इंजेक्टर भी दिया हुआ इसके साथ में, देखो क्या। जी हाँ गाइस, सिम इंजेक्टर दे रखा है, वो एंड्रॉयड फ़ोन वाला सस्ते वाला, आप लोग देख पा रहे हो। तो चलिए इसको बूट करते हैं, और मैं देख लूँ एक बार भाई कहीं से ये अपना फ़ोन दब ना रहा हो। ठीक है, आई एक्सपेक्ट लाइक दैट। ओके, और मैं अंग्रेज कब से बन गया ये मेरे को समझ नहीं आया। तो चलिए गाइस इसको बूट करते हैं, और जी नहीं कर रहा इसको छोड़ने का भाई, बिल्कुल ही यकीन नहीं हो रहा। अभी भी मेरे हाथ में आईफोन है, वो भी मेरा खुद का, अभी तक तो बस पड़ोसियों के चलाए थे, अब खुद का ऑन करने जा रहा हूँ। ओके भाई, बस सब कुछ बढ़िया हो। ओहो, एप्पल का लोगो आ चुका है गाइस, आई होप आप लोग देख पा रहे हो। फोकस कर ले भाई, बस दो मिनट का और खेले गाइस ये। और क्या है मैं बताऊँ, इसको ओपन करके मैं बस आपको इतना दिखा दूंगा कि इसकी बैटरी हेल्थ कैसी है, और डिस्प्ले वगैरह ओरिजिनल है या नहीं, और बस इतना ही दिखा सकता हूँ। हेलो गाइस, मतलब फ़ोन मेरे को कह रहा हेलो, और बहुत सही। ओके ठीक है, अभी तक भी ठीक है ये, तो मैं थोड़ा स्किप करके ना इसको बस आप बूट वूट करके और आपको दिखा दूंगा इसकी बैटरी हेल्थ, और डिस्प्ले वगैरह चेक करवा दूंगा, कैमरा वगैरह चेक करवा के, फिर कुछ दिनों के बाद मैं इसका रिव्यू जो होगा ना वो लेके आऊंगा, ठीक है। तो पीछे से देख लो यार, जान मेरी, इससे प्यारी चीज और क्या ही हो सकती है। जब खुद की चीज हो ना भाई, खुद के पैसों से ली हुई चीज, तो भाई उसमें बात ही कुछ और होती है, मतलब क्या ही मैं बोलूँ, और बस मैं बोलना नहीं चाहता और कुछ। अगर आप लोग कभी लोगे ना इन फ्यूचर, अब तो आप इस फीलिंग को समझ पाओगे जो अभी भाई मैं फील कर रहा हूँ। नमस्ते लिखा रहा है इस हिंदी में, नमस्ते बेटा। ओके ठीक है,
तो चलिए थोड़ा स्किप करते हैं यार अपने वीडियो को, नहीं तो भाई ये पता नहीं कहाँ कहाँ से जाकर रुकेगी। मैंने जो अपना आईफोन है वो फाइनली वो ओपन कर लिया, पता नहीं क्यों हिंदी में आया था, तो भाई मैंने बड़ी मुश्किल से इसका लैंग्वेज चेंज करा। और गाइस अब मैं वो चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो कि ज़रूरी है अपने आईफोन में, जो चीज़ें होना ज़रूरी है सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किस चीज़ का डर होना चाहिए आईफोन में, तो चलिए चेक करते हैं। पहले ट्रू टोन, ओके गाइस तो ट्रू टोन है इसमें और काफ़ी वर्क कर रहा है काफ़ी सही, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। तो इसको ट्रू टोन तो हो गया ओके। तो अब जो दूसरी ज़रूरी चीज़ है अपना बैटरी हेल्थ आईफोन की जान, तो ओपन करते हैं सेटिंग को और जाते हैं इसमें हुक बैटरी। ओके गाइस तो मैं देखने जा रहा हूँ, भाई मुझे भी नहीं पता, मैं पहली बार अभी बस जस्ट कैमरे आगे दिखाने वाला हूँ। ओह फक 100%, इसका मतलब बैटरी रिप्लेस हो सकती है शायद, कुछ कह नहीं सकते। और इसको हम लोग चेक करेंगे 3U टूल्स में लगा के, लेकिन आज नहीं, जिस दिन मैं इसका रिव्यू करूँगा ना उस दिन चेक करेंगे। तो फिलहाल ये 100% दिखा रहा, हो सकता है बैटरी भी बूस्ट कर रखी हो, भाई कोई भरोसा नहीं भाई इन सब चीज़ों का। तो फिलहाल तो 100% दिखा रहा, तो मैं इसको हटा देता हूँ। और अब जो तीसरी चीज़ है अपनी जान, आईफोन की जान, ओके ओके कंटिन्यू करते हैं अपना कैमरा। तो चलिए देखते हैं कैमरे, फोटो खींच के देखते हैं, मैं इधर कहाँ जा रहा हूँ कैमरे से बाहर। तो ये मैंने फ़ोटो क्लिक करी है इससे और जूम करके देखते हैं, ओके काफ़ी सही लग रहा है मेरे को तो। और भाई दिन में आप फ़ोटो खींचो ना जब पता चलेगा, फिलहाल तो मेरे को सही लग रहा। और फ्रंट कैमरा भी चेक कर लेते हैं, ओके फ्रंट कैमरा ऐसे नहीं चेक करेंगे, ओके फ्रंट कैमरा चेक करते हैं, ओके अपना रियलमी 9 एडिशन, अपना पावर पैक खींचते हैं, ओके यहाँ क्यों जा रहा है कैमरे से बार 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 खींचते हैं, ओके काफ़ी सही। तो आप लोग देख सकते हैं इमेज, ओके अब इसको दिन में फ़ोटो खींचेंगे ना गाइस जब पता चलेगा मैं कैमरे मतलब कैमरा का जो परफॉर्मेंस है, फिलहाल मेरे को सही लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तो गाइज ये दो चार चीज़ थी जो कि ज़रूरी थी, मैंने दिखा दिया वो आप लोगों को, और क्या ही बोलते हैं। सो गाइज ये था अपना जो आईफोन है जो कि हम लोगों ने लिया अपना पहला, तो अब हम इसको यूज़ करेंगे और देखेंगे अपना एक्सपीरियंस कैसा रहता हमारा एंड्रॉयड के बाद सीधा आईफोन में। तो गाइज तो मैं कुछ दिनों के बाद इसका रिव्यू लेके आता हूँ। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, और चैनल पर न तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अब से भाई ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोस आने वाली है अपने चैनल पे, तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों में। और कौन कौन आईफोन यूज़ करता है मेरे को बताना जरूर कमेंट में, और आपको कैसा लगता है आईफोन यूज़ करना। तो चलिए अपने वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी खतरनाक वीडियो में। तो बाय, तब तक के लिए गुड बाय, सब्सक्राइब जरूर कर देना।